जब तुम ऐसे शर्मा के और पल के झुका के बातें करती हो ना, मेरा दिल पिघल जाता है। वैसे आज अचानक जनाब इतने रोमांटिक मूड में क्यों है? पोपटलाल अनोखी जी से मिलने गया है, ये देखकर मुझे हमारे पुराने दिन याद आ गए। सच, क्या दिन थे वो। तारक, आपको हमारी पहली लॉन्ग ड्राइव याद है? कौन से याद है, कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन वो लॉन्ग ड्राइव नहीं थी, राइड थी। हम बाइक राइड पे गए थे। राइड? मैं बाइक पर तुम्हें पिकअप करने आया था। और मैं यूं शर्माते हुए आई और पहली बार आपके साथ बाइक पर बैठी थी। और हम जैसे ही आगे निकले तो बारिश शुरू हो गई और हम पूरी तरह भीग गए। मेरे जिंदगी का सबसे सुहाना पल है वो। मेरा भी। वैसे अंजलि, मैंने आज तक तुम्हें एक बात नहीं बताई। क्या? उस वक्त मेरे पास एक छाता भी था। क्या? तो फिर आपने बताया क्यों नहीं, हम भीगने से बच जाते। अगर बता देता तो हमारी पहली बाइक राइड इतनी रोमांटिक, इतनी यादगार कैसे होती। और अगर यादगार नहीं होती तो हम उस सफर से हम सफर कैसे बनते। Exactly. I just hope कि आज पोपट भाई को भी अपने इस सफर में अपनी हम सफर मिल जाए। मिल जाएगा अंजलि, मिल जाएगा। पोपटलाल सोडी की लकी गाड़ी जो लेकर गया है, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब तक पोपटलाल अनोखी जी के साथ गाड़ी में प्यार के गीत गा रहा होगा। वाओ पोपट जी, आप कितना सुंदर गाते हैं। बचपन से। Really? आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, कोयल जैसे। थैंक यू। अच्छा अनोखी जी, आपको कैसा जीवन साथी पसंद है? जो हमारे जीवन के हर मोमेंट को स्पेशल बनाते हैं। मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। आप मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल दीजिए, मैं हमारे उस मोमेंट को स्पेशल बना ही दूंगा। वैसे आपको कैसी लड़की पसंद है? हाँ, मतलब मेरी जैसी नहीं, आप जैसी नहीं, मुझे आप ही पसंद है। क्या पोपट जी, अभी तो हम सिर्फ मिले हैं। हाँ, और बस अब हमारे दिल भी मिल जाए। मैं आपको पसंद आ गई। हाँ। वैसे पोपट जी, आपको नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए? कल तुम अनोखी जी से सब एकदम चौखट कर लेना भाई। चौखट मतलब क्लैरिटी। कैसी क्लैरिटी जेठाला? यही कि भाई उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। अगर बॉयफ्रेंड है तो उससे शादी करने के लिए वो तुम्हारा उपयोग तो नहीं कर रही है ना? क्योंकि हर बार क्या होता है कि सब कुछ तय हो जाने के बाद एन वक्त पे वो लड़की ऐसा गुगली फेंकती है कि तुम चारों खाने चित हो जाते हो। बराबर है, क्लैरिटी ले लेता हूँ। पोपट जी, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना है? नहीं नहीं, जानना है ना, अपने बारे में सब कुछ बताइए। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं अंधेरी में रहती हूँ और मुझे स्विमिंग, स्कूबा डाइविंग और ट्रैकिंग बहुत पसंद है। बड़े एडवेंचरस शौक है आपके। अपने बारे में कुछ और बताइए ना। और क्या बताऊँ? जैसे आज के पहले आपके जीवन में कोई और आया है? हाँ, और मैं उसे बहुत चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। क्या? बहुत प्यार करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ शुरू होते ही खत्म हो गया। उसका नाम टाइगर है। टाइगर? वो मेरे साथ ही रहता है हमारे घर में। टाइगर के सामने पोपट कहाँ टिकेगा? और मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो मैं उसे अपने साथ लेके जाऊँ। अरे आप उसे साथ लेकर क्यों आएंगी? मेरा मतलब है साथ लेकर क्यों जाएंगी? मैं और टाइगर एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अरे तो आप टाइगर जी से शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ? क्या पोपट जी, वो मेरा पपी है। क्या? पपी का नाम टाइगर है? हाँ, आप क्या समझे? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मेरा एक ही शौक है, अपने जीवन साथी को ढेर सारा प्यार देना। हाउ रोमांटिक। मुझे ना आपका ये लविंग और केयरिंग नेचर बहुत पसंद है। थैंक यू। वाह 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 पोपटलाल, ये क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को मेरे अंदर जितनी खूबियां है सारी पसंद है। थैंक यू भगवान, थैंक यू।
जिस स्पीड से ये सोडी की लक्की गड्डी चल रही है ना, बस अब उसी स्पीड से अनोखी जी से मेरी शादी करवा दीजिए। ये क्या हुआ? लगता है गाड़ी बंद पड़ गई। लगता है? नहीं, मेरा मतलब है बंद पड़ गई है। अभी अभी शुरू हो जाएगी। क्या है, एंटीक कार है ना, कभी कभी ऐसा होता है। अभी अभी शुरू हो जाएगी, मैं अभी करता हूँ। अरे हो जा शुरू हो जा। अरे हो जा शुरू हो जा। मैं जरा देख कर आता हूँ, अब बैठिए आराम से। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये मैकेनिज्म है। ये गाड़ी अंदर से ऐसी दिखती है, इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या करूं? हो गया पोपट जी। बस दो मिनट में हो जाएगा। छोटी को फोन करता हूँ। ये सोडी का फोन तू नहीं लग रहा। अब ये सब छोड़ के फोन पे लगे हुए? वो मैं अपने दोस्त को फोन कर रहा था। आपको अभी इस वक्त दोस्त से कब पे लड़ाने? नहीं, वो एक्चुअली मेरा दोस्त तो मैकेनिक है। क्या कहा उसने? उसका फोन ही नहीं लग रहा। तो अब क्या करेंगे? पता नहीं। हा? मेरा मतलब है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो कुछ किया है वो भगवान ने किया है। मतलब आपने कहा था ना कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए जो आपके हर मोमेंट को स्पेशल मोमेंट बना दे, तो मिल गया ना स्पेशल मोमेंट। ये स्पेशल मोमेंट है? हाँ। कैसे? यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, स्पेशल मोमेंट। पोपट जी, हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं, लॉन्ग वॉक पे नहीं, और वापस भी तो जाना पड़ेगा ना। देखते हैं। मेरा मतलब है जाएंगे ना, आए हैं तो जाएंगे भी। अच्छा, मूड था सब बिगाड़ दिया। नहीं 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 अनोखी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके मूड को बिगाड़ने नहीं दूंगा। पर गाड़ी तो बिगड़ गई ना। वो तो अभी ठीक हो जाएगी, बस बस क्या, एक छोटा सा धक्का लगाना पड़ेगा। क्या ना, एंटीक कार है ना, ये जब भी ऐसे बिगड़ जाती है ना, धक्का लगाते ही शुरू हो जाती है। मतलब ये गाड़ी पहले से बिगड़ी हुई है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल फुल सर्विसिंग करके एकदम टकाटक करके लाया था। तो ये बिगड़ी क्यों? पोपट जी, ये गाड़ी पहले से ही बिगड़ी हुई है और इसका टेप भी खराब है, और आप खराब गाड़ी लेकर ही आए हैं। आप गलत समझ रही हैं अनोखी जी, एक छोटा सा धक्का लगाएंगे ना तो ये गाड़ी जेट स्पीड की तरह उड़ने लगेगी। बस आप स्टेरिंग पर बैठिए, मैं धक्का लगाता हूँ। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो मुझे स्टेरिंग पर बैठना पड़ेगा। और छोटा सा, आर यू सीरियस? आई एम नॉट सीरियस, सिचुएशन इज सीरियस। मैं जाता हूँ। हे भगवान, मैंने कहा था मेरी जिंदगी गाड़ी जैसी बना देना, आपने गाड़ी को मेरी जिंदगी जैसा बना दिया। अनोखी जी लगाइए धक्का थोड़ा जोर से। आ!
और जोर से। अरे कितना जोर से, ये गाड़ी तो हिल भी नहीं रही है। हिलेगी हिलेगी, जोर लगा के, दम लगा के। मैंने सुनिया। क्या नहीं सुनिया? सुनिया सुनिया, लगाइए लगाइए थोड़ा जोर से। क्या जमाना आ गया है, पति आराम से सीट पे बैठा है और पत्नी से धक्के लगवा रहा है। सच में कलयुग आ गया है। ओ हेलो, पत्नी नहीं हूँ मैं इनकी। अच्छा, गर्लफ्रेंड होगी? कुछ नहीं हूँ, पहली बार आई हूँ इनके साथ। अच्छा, पहली बार में ऐसी गाड़ी लेके आ गए? क्या भाई साहब, कैसे इंसान हैं आप? ओ भाई, आप काम करो ना अपना, निकलो यहाँ से। ओ हेलो, क्या निकलो? सही तो कह रहे हैं वो लोग। भाई साहब थोड़ी हेल्प कर दो ना। हाँ हाँ हाँ। नहीं सुनिया, जोर लगा के। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे क्या हुआ, लगाइए धक्का। बहन जी, ये गाड़ी ना धक्का मार के घर तक ले जानी पड़ेगी, ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। आप भी छोड़ दो, धक्का गाड़ी है ये। अरे ये क्या बोल रहे हो, ऐसा है तो जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ भाई, हमें भी कोई रुकने का शौक नहीं यहाँ पे, चलो चलो। जाने दीजिए जाने दीजिए अनोखे जी। क्या किया आपने, वो दोनों धक्का लगा रहे थे ना। वो गाड़ी को धक्का नहीं लगा रहे थे, मेरे दिल को धक्का लगा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है उनकी, अच्छा वो लोग चले गए। अनोखे जी मुझे यकीन है, अब एक लास्ट हल्का सा छोटा सा धक्का लगाएंगे ना, गाड़ी एकदम शुरू हो जाएगी। प्लीज। बस थोड़ा सा और जोर से, देखिए अभी शुरू हो जाएगी। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बस एक लास्ट हल्का सा धक्का। नहीं लगाऊंगी धक्का। क्या हुआ, ये कैसी कटारा गाड़ी लेकर आए हो तुम? तुम नहीं तो क्या, मैं लेकर आई हूँ? नहीं नहीं, मैं ही लेकर आया हूँ, पर बस एक आखिरी छोटा सा धक्का। धक्का नहीं, धोखा। धोखा बोलो इसे, बीच रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया। गाड़ी तो शुरू हुई नहीं, देखो तेरा दुपट्टा भी फट गया। क्या सॉरी, देखो मेरा क्या हाल हो गया है। पत्रकार होकर इतना भी नहीं पता कि पहली बार लड़की के साथ डेट पर जाते हैं तो कैसी गाड़ी लेकर जाते हैं? पता है, फिर भी ये गाड़ी लेकर आए। तो लगता है तुम्हारा ना भेजा भी इस गाड़ी की तरह बिगड़ा हुआ है। और मुझे ऐसा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि एक लड़की से गाड़ी को धक्का नहीं लगवाते। अनोखी जी, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी होता है, पहली बार में नहीं होता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बट मेरे पास बहुत ऑप्शन है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाकर अपनी लाइफ भी इस गाड़ी की तरफ बिगाड़ दूँ। पर अनोखे जी, मैं आपको पसंद हूँ। वो मेरा भ्रम था। ये ना पूरी लाइफ ऐसे गाड़ी को धक्का नहीं लगाना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, शादी के बाद हम नई गाड़ी ले लेंगे। हम अभी के अभी जाके टोकन दे देते हैं। आप सिर्फ ये बताइए कि आपको किस तरह की गाड़ी पसंद है। मुझे जो गाड़ी पसंद है वो आ गई, वो देखो। अरे अरे सुनिए, अरे 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 सुनिए अनोखी जी, देखिए अनोखी जी, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। मैं जा रही हूँ। देखिए, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। नहीं, आज अगर आपको यहाँ से जाना है तो मेरी लाश पर से गुजर के जाना होगा।
मेरी लाश पर से गुजर के जाइए। ओके। अरे 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 ये क्या कर रही है? अरे रुके रुके रुके। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं कहती हूँ हटो यहाँ से। मैं आपको मेरी जिंदगी से ऐसे नहीं जाने दूंगा। भाई साहब ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। क्या? आप क्या कर रहे हैं आप? ये टोपी, चल निकल यहाँ से। टोपी टोपी किसको बोलता है? मैं पत्रकार हूँ। अच्छा पत्रकार हो? कल तेरे न्यूज़पेपर में तेरी न्यूज छपेगी। अरे अरे क्या कर रहे हैं? तो चल यहाँ से चल। मैं तो खर्चा पानी देता हूँ तेरे को अभी। देखिए अनोखी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। अरे आप मेरे सपनों को रोन के नहीं जा सकते। अरे ये क्या हो गया? सब कुछ अच्छा चल रहा था। लड़की सामने से मिली, सामने से लॉन्ग ड्राइव के लिए बोला और अचानक सब पत्तों के महल की तरह टूट गया। क्यों ये मैं गड्डी लेकर आया? छोटी से लक्की गड्डी बोलता है। लक्की नहीं, एक नंबर की अनलक्की गड्डी है। जो चलना चाहिए वो चलता नहीं है, जो नहीं चलना चाहिए वो कभी भी चल पड़ता है। रोशन भाभी बिल्कुल सही कहती है, इस गड्डी को बेच देना चाहिए। छोटी की अक्कल चले तब ना। उन्हीं को फोन करके बताता, अच्छे से डांटेगी। अरे एक मिनट ना। हाय पोपट भाई, कैसा? रोशन भाभी, सोडी की गड्डी की वजह से मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया। प्रॉब्लम? भाई सूट है यू? वो हुआ यू कि छोटी ने मुझे गारंटी दी थी, फिर भी गाड़ी बिगड़ गई। रोशन को की गाड़ी बेच दे, उसे आपको देने की जरूरत ही नहीं थी पोपट भाई। और आपको तो पता था ना कि गाड़ी बिगड़ी हुई है। हाँ, पर छोटी ने कहा था कि पोपू तू ये गाड़ी लेकर जा, तेरा काम बन जाएगा। और काम तो बना नहीं, उल्टा बिगड़ गया। आप सॉरी मत बोलिए। सॉरी तो सॉरी तो अब सोढ़ी बोलेगा अपने आप को मुझे ये खटारा गाड़ी देने के लिए। पोपट भाई, हेलो। अरे रोशन भाभी आप एंजॉय कीजिए वहाँ पर, मैं गाड़ी को यहीं छोड़ के ऑटो में घर चला जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, संभाल लेना। ओके। आज के बाद इस गाड़ी को कोई नहीं चला पाए। मैं तुझे इस चाबी की तरफ फेंकूंगा और तकिया की तरफ फाड़ूंगा। तू रुक, मैं आ रहा हूं। दाढ़े जिसका डर था वही हुआ। प्यार की हवा से भरा हुआ पोपटलाल का गुब्बारे जैसा दिल फट गया। सोडी की लकी गाड़ी पोपटलाल के रिश्ते के रास्ते में आ और हील बनकर पोपटलाल के अरमानों का टायर पंचर कर दिया। अनोखी जी के गुस्से के सामने सबकी दुनिया हिला देने वाला पोपटलाल खुद हिल गया। अब पोपटलाल सोडी की दुनिया हिला देगा। पोपटलाल आफत बनकर गोकुल धाम में बरसेगा। उसका गुस्सा बारूद बनकर गोकुल धाम में धमाका करेगा। पोपटलाल ने गुस्से में आकर सोडी की लकी गाड़ी उसके लकी शेर को बीच रास्ते में छोड़ दिया। जब सोडी को ये बात पता चलेगी तब वो क्या करेगा? इस पोपटलाल और सोडी की चक्की में पूरा गोकुल धाम आटे की तरह पिसेगा।
लेकिन उससे जो हसी और ठाकू की रोटियां होंगी ना वो आप ही को परोसी जाएंगी। देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।